الحمد لله. जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है नाही, प्रेम गली अति साकरी, आमे दुए न समाही। महापुरुष अगर जीवन में आ गए हैं, बुद्ध कबीर अगर जीवन में आ गए हैं, फिर भी आपके जीवन में अभिमान, घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत अगर है तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कबीर कहते हैं कि प्रेम की गली में दो साथ साथ नहीं रह सकते, एक ही। आज के इस विशेष अवसर पर जो विषय आपने चुना है वो समाज और राजनीति चुना है, तो मैं बहुत ही स्पष्ट दो मिनट में अपनी बातें करके, चूंकि हमें आज समाज के क्षेत्र में मैं बता दूं, स्वतंत्र भारत में मुसलमानों ने एक समाज बनाया, उन्होंने मदरसे बनाए, उन्होंने मस्जिदें बनाई। स्वतंत्र भारत में हिंदुओं ने समाज बनाया, उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर बनाए और उन्होंने मंदिर बनाए। स्वतंत्र भारत में ईसाइयों ने समाज बनाया, सिखों ने समाज बनाया और बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल खोले, लेकिन हम बहुजन समाज के लोगों ने स्वतंत्र भारत में इस दिशा में कोई काम नहीं किया। संवैधानिक फायदा उठाकर, लोकतंत्र का फायदा उठाकर हम लोगों ने लाखों संगठन जरूर बनाए। तो आज सामाजिक दृष्टि ऐसी है कि हम सामाजिक लोग, हम धार्मिक लोग राजनीतिक क्षेत्र में दोयम दर्जे से माने जाते हैं। कोई नेता, कोई भी रणनीतिकार बहुजन समाज का व्यक्ति किसी भी सामाजिक धार्मिक आदमी से सलाह मशवरा नहीं लेता है, क्योंकि वो जानता है ये किसी काम के नहीं, और हम लोगों ने भी ये सब काम नहीं कर पाया। जिन लोगों ने जातियां बनाई वो तो जातियां बनाने का मजा काट रहे हैं, और हम लोग ईमानदारी से जाति जाति खेल रहे हैं। जिन्होंने जातियां बनाई और गर्व से, जैसे हमारा स्टेटमेंट है कि जाति रूपी गंदे नालों में हम रहते थे, बाबर साहब ने धक्का मारा और समुद्र में धकेल दिया, अब हम बार बार समुद्र से निकलकर आते हैं और गंदे नाले की खुशबू लेने के लिए आते रहते हैं कि मेरी वो पुरानी खुशबू, मेरी वो पुरानी जाति कहां चली गई। ए बहुजन समाज के लोगों, जब तक समुद्र में कूद कर और गंदे नाले की खुशबू आप देते रहोगे, कोई समाज आपका बनने वाला नहीं। जातियों का गुणगान करते रहिए, और जिन्हें तुम रात दिन गालियां देते हो उनको शासक बनाते रहिए। इसके अलावा राजनीति, बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं सब जातिवादी हैं, परिवारवादी हैं और वंशवादी हैं, और जितने भी, जिन्हें आप दुश्मन अपना मानते हो राजनीति में, वो सब व्यक्ति को, संगठन को महत्व तो नहीं देते, वो विचारधारा को महत्व तो देते हैं। ध्यान से सुनिएगा लखनऊ के लोगों, नरेंद्र मोदी ब्राह्मण नहीं है फिर भी उन्हें पूरा ब्राह्मण समाज वोट देता है, नरेंद्र मोदी ठाकुर नहीं है फिर भी उन्हें पूरा ठाकुर समाज वोट देता है। क्या आपके यहाँ कोई ऐसा नेता है? क्योंकि आपने जातियों के खांचे में राजनीति को खड़ा कर दिया, यही तुम्हारी दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण है। और आज भी सुधर जाओ, जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद से मुक्त हो जाओ और प्रतिभा का सम्मान करो। 4 साल नहीं लगेंगे बहुजन इस देश का शासन, जातियों के किले बना लो, लंबे चौड़े बन जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे, लेकिन उनके सामने टिक नहीं पाएंगे जिनसे सामने आप टिकना चाहते हो। विचारधारा को महत्व दो, और विचारधारा कौन है? बुद्ध, अशोक, साहू फुले, अंबेडकर की विचारधारा, जो समता की विचारधारा है, कबीर साहब भी उसमें शामिल है। इसलिए मैं चाहता हूं जो बातें मैं कर रहा हूं, हो सकता कि आपको अच्छी ना लगे लेकिन बहुत सही है। बीमार व्यक्ति को दवा कड़वी लगती है लेकिन उसमें बहुत जान होती है, वो बुखार उतार देती है। तो आज इस कबीर जयंती के विशेष अवसर पर मेरा निवेदन है,
कि आप लोग एक समाज निर्माण का कार्य करिए। पूरे भारत में हम बौद्धों को आज दिन तक अलग धर्म नहीं है, हम हिंदू धर्म के पार्ट्स हैं, ना हमारा मैरिज एक्ट है, ना हमारा पर्सनल लॉ है, और कोई उसके लिए संघर्ष नहीं है, क्योंकि 75 साल में आज दिन तक आप लोग दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर पाए। 75 साल हो गए आपको, यह तय नहीं कर पाए कि आपको कहां रहना चाहिए और कहां। आपसे बताइए, कमजोर आदमी दुनिया कोई होगा? 75 साल में आप यह तय नहीं कर पाए कि आपको कहां रहना चाहिए और कहां नहीं रहना चाहिए, तो बताइए इतना कमजोर व्यक्ति शासक कैसे बन सकता है। इसलिए आज इस विशेष अवसर पर कबीर साहब के संदेश, उनकी शिक्षाएं, आदरणीय कमिश्नर साहब, क्योंकि बहुत बड़ा पद है उनका, वो पूरे लखनऊ के कमिश्नर हैं, और क्योंकि बिना बुलाए किसी भी कार्यक्रम में चला जाता है, जो हम लोग साथ साथ थे, तो मैंने निवेदन किया कि सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम में निमंत्रण का हम इंतजार नहीं करते, और मुझे कोई ये भी नहीं है कि मंच पर बैठे। जब हम मंच बनाने वाले लोग हैं तो मंच पर बैठने की कौन सी इच्छा है ना, चलते हैं, हमारा कार्यक्रम है, हमारे लोग हैं, अपनी बात करेंगे, उनके विचार सुनेंगे, अपने सुनाएंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा, और हम आए और आप लोगों ने हमारी बातों को सुना, और मेरी मंगल कामना है कि आप लोगों ने कार्यक्रम किया, आयोजक लोगों को बहुत सारी बधाई। और देखिए, जमीन बेचकर कमिश्नर साहब ने भी जिक्र किया था कि जमीन बेचकर आप राष्ट्रपति बन सकते हो या कोई और भी बड़ा पद ले सकता है, लेकिन कभी इतिहास में दर्ज आप नहीं हो सकते हो। आप सोचो कि अंबेडकरी आंदोलन चलाओ, बुद्ध अशोक फुले साहब अंबेडकर की बात करो, और आप में जाकर दुश्मनों से मिलने का प्रयास करो, यार कोई लाभ मिल जाए तो दे दो ना हमें। अरे पैंट शर्ट वाले करते तो ठीक था, ये जीवनधारी भी वहां जाते हैं भाजपा वालों के यहाँ, कहते कि मुझे अध्यक्ष बना दो, सदस्य बना दो, इतना इनका जमीन मर गया। इसलिए याद रखना, गुलाम और जमीन का मरा हुआ आदमी अगर शासक तुम्हारा बन भी गया तो तुम्हें कभी आजाद हो नहीं कर सकता। इसलिए विचारधारा पर टिके रहिए और संघर्ष करते रहिए। आपका आंदोलन, आपकी विचारधारा इतनी कमजोर नहीं है कि चोरों के यहां हमें जाना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कौन कौन साधुवाद? पूरी भक्ति।